बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल। भूगोल से हम उठाएंगे कुछ विषय, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, मानचित्र रेखाएं, स्थल मंडल। इसमें हम कवर करेंगे देश, पर्वत और पठार। ये एक बुक है, घटना चक्र बुक, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बुक है घटना चक्र बुक। इसमें केवल वही क्वेश्चंस कवर करे गए हैं जो एसएससी के द्वारा अब तक पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जो भी एग्जाम होगा आपका, उसके लिए आपका एक बेस तैयार करेंगे। आपकी जो भूमि होगी उसको फर्टाइल करेंगे, उसको उपजाऊ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला विषय है हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और इससे संबंधित अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अपने साथ एक नोटबुक और पेन प्लीज जरूर रखिए, क्योंकि आज के ये वीडियो अक्षांश और देशांतर जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना डिफरेंस होता है, कितना अंतर होता है। याद रखिएगा, ये होता है टोटल 4 मिनट का अंतर। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में हम लोग जाते हैं कि ये अंतर क्या होता है, कैसे होता है, कितने डिग्री कितने मिनट होता है, ये सब। देखिए, प्रत्येक 15 मिनट को पूरा करने में यह लगभग 1 घंटे का समय लेता है। अगर अब बात करी जाए, 4 मिनट का समय प्रत्येक डिग्री को पूरा करने में लगता है। या तो मैं आपसे बोलूं कि 15 डिग्री को पूरा करने में टोटल कितने लगते हैं, 60 मिनट, और 15 चौके कितना होता है, 60, तो 4 मिनट बराबर कितना हो गया, प्रत्येक डिग्री को पूरा करने में लगेगा। ग्रीनविच से प्रत्येक अंश पर 4 मिनट का अंतर होता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनता है कि ग्रीनविच से प्रत्येक अंश पर कितने मिनट का अंतर होता है। आपको 4 ऑप्शन देगा, 1 मिनट, दूसरा ऑप्शन आपके सामने होगा 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 4 मिनट। तो आपको राइट आंसर चूज करना है डी, 4 मिनट। तो देखिए, क्वेश्चंस वो क्या करता है, एसएससी डिपार्टमेंट केवल कॉपी पेस्ट करता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उठाएगा, वहां से कॉपी करेगा, नए पेपर में आपका पेस्ट करेगा और आपका नया पेपर तैयार। बस थोड़ा सा वो लैंग्वेज चेंज कर देता है उसकी, कि हाँ भी क्वेश्चंस की प्रकृति, मतलब प्रेजेंटेशन जो होगा क्वेश्चंस का, वो चेंज कर देगा। और बच्चों को अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस वो कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा, बच्चे उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बट अगर कंसेप्ट क्लियर उसको है तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और जो जो बातें बारीकी से बताई जा रही है उसको आप बड़े ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को हम क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं शरदकालीन विषुव, शरदकालीन विषुव। क्वेश्चन नंबर 3 कि विषुवत रेखा क्या होती है। जो विषुवत रेखा होती है वो क्या होती है, वो होती है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है। कहां कहां पर, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। तो ये है आपका 180 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी होती है, ये होती है 180 डिग्री देशांतर। देखिए, आप देख रहे हैं एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया, एलडीसी में पूछा गया और अगेन ये एमटीएस में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आपकी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी होती है, तो 180 डिग्री देशांतर पर ये होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं। इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश। याद रखिए, क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश। अब हम बात करते हैं, देखिए अश्व अक्षांश कितने कितने डिग्री के बीच में होता है। तो ये होता है आपका 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायु दाब की स्थिति पाई जाती है। याद रखिएगा, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच में
कौन सा होता है अक्षांश, ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, ये कहलाता है अश्व अक्षांश। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, पक्का पूछता है, तो याद रखना अश्व अक्षांश नोट्स में लिखिए इक्वल टू में 30 डिग्री टू 35। फिर आप लिखिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व का मतलब घोड़ा, घोड़े को बोलते हैं क्या इंग्लिश में, हॉर्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये बताना जरूरी होता है उनके लिए जो जिनका जीएस काफी वीक होता है या फिर जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी होती है कॉम्पिटिशन में, तो उनके लिए ये काफी बेसिक चीजें बताई मैंने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। की वसीवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण होता है क्या? ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है किसमें से? पाकिस्तान से। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? देखिए नहीं है पूछा है उसने क्वेश्चंस में, तो नहीं है पे फोकस करना। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से होकर ये गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान से ये टच नहीं करती है, गुजरती नहीं है। कर्क रेखा आप याद करिए कहाँ कहाँ पर है, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से होकर गुजरती है। इन सभी देशों में अगर आप मैप में देखते हैं तो आपको कर्क रेखा मिलेगी, लाइन होती है कर्क रेखा, हमारे भारत में भी खींची गई है और बांग्लादेश में और म्यांमार, तीनों देश में कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन पूछा गया नहीं गुजरती कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 7 में ऑड विषम अलग देखना था, तो राइट आंसर क्या होगा, बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। की भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? देखिए बात करी थी पीछे कर्क की, अब बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में भूमध्य रेखा की, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही आपको नोट करना है। कर्क रेखा लिखिए इक्वल में कहाँ कहाँ पे गुजरती है उनके नाम, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा, फिर लिखिए नोट्स में भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ पर, भूमध्य रेखा कांगो, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, मैक्सिको। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर इस बुक में एक वन लाइनर जीके की एक लाइन दी गई है, केवल एक लाइन में पूरा सॉल्यूशन बताया गया है, तो ये भी हम कवर करते हैं इस बुक में। कि राशि की कुल संख्या क्या होती है, 12 राशि, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मकर, मीन, कन्या, ये राशि जैसे आपका नाम है उसकी एक राशि होती है, तो राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 12। तो आप याद रखिएगा, देखिए इस तरह से क्वेश्चंस भी हमसे एग्जाम में पूछता है, कुल राशि कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है टोटल 12। आगे बात करते हैं अफ्रीका, भारत, अरब तथा चीन में से भूमध्य रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था पिछले क्वेश्चंस में भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ पर गुजरती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए नहीं गुजरती है, अगेन यहाँ पे पूछ रहा है अफ्रीका, भारत, अरब तथा चीन में से भूमध्य रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है, बाकी जगह से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है। और भारत से कौन सी रेखा है, कर्क, अभी हमने देखा था। आगे बात करते हैं किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के भूमध्य रेखा संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश, भारत, चीन तथा पाकिस्तान में से भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो है कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना चाहूंगा यहाँ पे और इसको येलो से हाईलाइट करना चाहूंगा कंप्लीट। आप इसको ध्यान से इसको नोट मत करिएगा, हो सके तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए अपने माइंड में, मतलब बोल बोल के 4-5 बार इसको बोलिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों ही जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो गुजरती हैं, कहाँ से, अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है आर्कटिक व्रत, विषुवत व्रत, कर्क रेखा तथा मकर रेखा में से विषुवत व्रत पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो होता है वो होता है व्रत। आगे बात करते हैं मानचित्र रेखाओं के बारे में, कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी कंटूर रेखाएं, इसको बोलते हैं समोच्च रेखाएं, याद रखिएगा कंटूर लाइंस, समोच्च रेखा क्या होती है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को बोलते हैं कंटूर लाइन या फिर समोच्च रेखा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं क्या, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। कंटूर की एक काल्पनिक जो रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, क्या प्रेजेंट करती हैं, ये करती हैं कि दोनों का एरिया क्या है, बिल्कुल समान ऊंचाई का है। क्वेश्चन नंबर 3, उभरे क्षेत्रफल सहित
किसी क्षेत्र की विषुवत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाली पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? ये कहते हैं उभरा मानचित्र। उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को उभरा मानचित्र मतलब रिलीफ मैप कहते हैं। यह मैप क्या कराता है? त्रिविमीय होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आइसोनेफ, आइसोनेफ शब्द समान जो मेघ मत्या वाली रेखाएं होती हैं उनका ये प्रतीक होती है, उनका ये घोतक होती है, उनका ये संकेत होती है। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं। आइसोनेफ क्या होती है? समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोनेफ, और समान जो वायुदाब वाली जो रेखाएं खींचती हैं वो कहलाती हैं आइसोबार, और समान जहाँ पे वर्षा वाले स्थानों को, जैसे कि आपका कोई जगह है एक्स वाई जेड और मेरी जगह है एबीसी, ठीक है, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, कई किलोमीटर दूर हूँ, तो एक रेखा खींची जाएगी कि यहाँ पर क्या होती है वर्षा, बिल्कुल समान होती है, इतने सेंटीमीटर पे यहाँ पे वर्षा होती है और इतने सेंटीमीटर में मेरे स्थान पे भी सेम वर्षा होती है। तो ऐसी काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसी काल्पनिक रेखाओं को हम बोलते हैं समवर्षा। लेकिन आपको समवर्षा वो नहीं देगा, आपको ये लिखा हुआ आपको एग्जाम में नहीं देगा, एसएससी डिपार्टमेंट इतना शरीफ नहीं है, आप ध्यान रखना, वहां आपको देगा आइसोहाइट, एग्जाम में बोलेगा आपको आइसोहाइट, तो आपको राइट आंसर चूज करना आइसोहाइट अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? समभारी रेखाएं दर्शाती हैं दाब को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है गलत है, कौन सा रॉन्ग है? तो आपको ऑप्शंस ए बी सी डी पर फोकस नहीं करना है, डायरेक्ट आपको याद करना है अभी फिलहाल ये ग्रीन से जो हमने हाईलाइट कर रखा है वो। तो ये है आपका रेखा मतलब आइसोहाइट जो रेखा होती है वो वर्षा का घटक होती है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है, और आइसोबार होती है दाब के लिए। आइसोहेल बोलते हैं रेखाएं जो सूर्य प्रकाश, जहां पे सूर्य प्रकाश बिल्कुल इक्वल पड़ता है तो उसको बोलते हैं आइसोहेल, और आइसोथर्म बोलते हैं, थर्म मतलब थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है? ये करता है टेम्परेचर का मेजरमेंट। भाई अगर आपको बुखार आता है, बुखार कब आता है? जब आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए आइसोथर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो थर्म का मतलब तापमान, समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसको बोलते हैं आइसोथर्म। और अगला है आपका हाइग्रोफाइट, हाइग्रोफाइट क्या होती है? आर्द्रता वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है ये रेखाएं। तो ये जो रेखाएं आपको दी गई हैं सामने सबकी सब, ये सभी आपको याद करनी है, एक ना एक रेखा आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, यूकेपीएससी के लिए, या फिर कोई अदर स्टेट का पीएससी का आप एग्जाम दे रहे हो, उन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? एक ही तापमान टेम्परेचर, मैंने बताया था आपको अभी, टेम्परेचर थर्मामीटर लगाते हैं मुंह पर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो आइसोथर्म। तो डी जो आपका आंसर है आइसोथर्म आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यही आंसर अपना लगा के आना है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब समताप, समान ताप। तो देखिए आपको समताप वहां पे नहीं देगा, यहाँ पे उसने दिया, बच्चे बहुत लक्की थे, बहुत अच्छी बात है कि उनको एसएससी डिपार्टमेंट ने प्यारा सा हिंट दिया, समान ताप वाली रेखाएं मतलब एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? सिंपल सी बात है, डी समताप रेखाएं। लेकिन अब जो पैटर्न जो हो रहा है एसएससी का, वहां पे आपको ये समताप रेखाएं अब नहीं दे रहा है, वहां आपको दे रहा है आइसोथर्म। अब इंग्लिश की जो टर्म है वो वर्ड यूज कर रहा है वहां पर, तो इसलिए बी प्रिपेयर, बिल्कुल तैयार हो जाइए एसएससी एग्जाम के लिए या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, तो तैयारी अपनी स्ट्रांग रखिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है? क्या बराबर इक्वल रेन कहाँ पे होती है? जैसे आपका स्थान है, मेरा स्थान है, आप रहते हैं किसी भी स्टेट में, मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो एक मैप होगा, मैप में एक रेखा खींची होती है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल इक्वल इक्वल बारिश होती है, तो ये क्या कहा था मैंने, ये होता है आपका आइसोहाइट। देखिए अगर आपने ऊपर के ये चार याद कर रखे हैं, ये जो मैंने आपको दिखाए थे, तो इसी से संबंधित घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देगा, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। ये कुल आपकी रेखाएं ज्यादा से ज्यादा 5 रेखाएं हैं, 5 रेखाएं आपको याद करनी है, और इनसे संबंधित एक ना क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी बार किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं हम लोग कि मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं सम वर्षा, समान वर्षा। 2014 में ये पूछा गया, 2009 में पूछा गया सम वर्षा, समान वर्षा, एक जैसी वर्षा मतलब वर्षा, सम वर्षा, आपको प्यारा हिंट दिया इसने और आपने राइट आंसर लगाया होगा अपना ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका भौगोलिक समन्वय।
इसके तहत मानचित्र में स्थान निर्धारण के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मैप डिजाइन करते हैं, तो जो मैप डिजाइन करता है विज्ञान साइंस, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, तो आगे हम बात करते हैं मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं। अभी हमने देखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज, इसका भी आंसर क्या रहेगा, बी, मानचित्र कला या कार्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखण इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, ये करा जाता है औचित्य के द्वारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं प्लैनीमीटर। क्या कहते हैं, प्लैनीमीटर। तो प्लैनीमीटर के द्वारा मानचित्रों पर क्षेत्रफल को मापा जाता है, जबकि ऑपिसोमीटर के द्वारा लंबाई मापी जाती है। ऑपिसोमीटर के द्वारा क्या करती है, लंबाई मापी जाती है, और क्षेत्रफल मापा जाता है पेलिनोमीटर के द्वारा। याद रखिएगा, पेलिनोमीटर क्षेत्रफल, ऑप्सियोमीटर जो होता है वो होता है आपका लंबाई का मापक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमानों पर मानचित्रों को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं विषय संबंधी मानचित्र। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर, कि अगले क्वेश्चंस में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमको एक लाइन का जो क्वेश्चंस जो आंसर दे रखा है, वल नर जीके की प्रस्तुति है, तो उसको पढ़ते हैं कि आईसो बार रेखाएं समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आपस में क्या करती हैं, ज्वाइंट करती हैं, जोड़ती हैं, मिलाती हैं। अब हम बात करते हैं स्थल मंडल के बारे में। इसमें हम बात करेंगे देश, पर्वत और पठार से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और मैं अगेन आपसे बोलूंगा, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करते हैं, कोई और एग्ज़ाम आप देते हैं, तब भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बेसिक हैं। ये आपकी जो भूमि है स्टडी की, जो नॉलेज की, जो आपकी जमीन है, उसको फर्टाइल करेंगे, उसको उपजाऊ करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमसे कि दुनिया की छत, जिसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ये कहा जाता है पामीर के पठार को, ये कहा जाता है पामीर के पठार को। परंतु एशिया के कुछ और पर्वत हैं जैसे पठारों और चोटियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त किए जाने लगा है। लेकिन एग्जाम में आपको केवल फोकस यही करना है कि दुनिया की छत मतलब रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पामीर के पठार को। क्वेश्चन नंबर 2, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाले संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं, ये बोलते हैं भूसंधि मतलब स्थल डम मरुध्य। अब देखिए, भूमध्य रेखा अथवा भूसंधि भूमि को एक पतली पट्टी होती है जो दो बड़ी जल राशियों को अलग करती है और दो बड़े भूभाग को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। याद रखिएगा, एक पतली पट्टी होती है जो क्या करती है, दो बड़ी जल राशियों को तो आपस में अलग करती है, लेकिन क्या करती है, दो या फिर दो बड़े भूभाग को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, तो वो क्या है आपका, रेड क्लिक रेखा। तो इसको रेड क्लिफ बोलते हैं, रेड क्लिक भी बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम आपका रेड क्लिफ देगा एग्जाम में। और उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए नीचे, भारत और चीन के बीच में खींची गई रेखा क्या कहती है, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में खींची गई रेखा क्या कहलाती है, मैकमोहन रेखा। और बात करते हैं ड्यूरंड रेखा की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में की जो सीमा रेखा होती है उसको हम बोलते हैं ड्यूरंड रेखा। तो तीनों रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकमोहन, ड्यूरंड और रेड क्लिफ रेखा, तीनों ही अभी याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं। अभी हमने आपसे बात करी थी चीन और भारत, तो ये जो हुआ एक मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य हुए समझौते के बाद वर्ष 1914 में खींची गई थी। वर्तमान में यह भारत और चीन की मध्य सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका एक एग्जाम्पल है, किसका एक उदाहरण है, तो यह आपका वलित पर्वत का, इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं मोड़दार पर्वत भी इसको कहते हैं। आपको ऑप्शंस में डी की जगह अगर वलित पर्वत नहीं दिया होता तो आपको दिया होता मोड़दार पर्वत, तो आपको इस पर भी फोकस रखना है, मोड़दार पर्वत कहे या वलित पर्वत कहे,
दोनों का अर्थ सेम ही है, तो इसलिए हमको कन्फ्यूज नहीं होना कि हमने सिंपल 5 क्वेश्चंस देखा, हमने वरित पर्वत याद कर लिया, बस रट लिया उसको। लेकिन अगर एग्जाम में उसने कुछ घुमा के क्वेश्चंस पूछ लिया एसएससी या किसी और, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसने, तब क्या करोगे? तब आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे? नहीं, तब आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, हर तरीके से क्वेश्चन को देखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर की, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहते हैं? तो शाश्वत नगर बोलते हैं हम लोग इटली की राजधानी रोम को, ठीक है। रोम क्या है? रोम है आपकी इटली की कैपिटल, राजधानी रोम को हम क्या कहते हैं? शाश्वत नगर हम इसको कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है रक्षक मेखलाएं बनाकर, रक्षक मेखलाएं बनाकर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़िए। तो देखिए यहाँ पे हमको ABCD पे फोकस, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप करिए, आप केवल डायरेक्ट करिए रेगिस्तान के नाम और कौन से महाद्वीप में ये स्थित हैं। कालाहारी जो रेगिस्तान है वो पड़ता है आपका अफ्रीका महाद्वीप में, और अटाकामा एक रेगिस्तान का नाम है ये भी, और ये पड़ता है आपका दक्षिणी अमेरिका में। येलो से जो हाईलाइट कर रखा है ये कंप्लीट आप नोट करिए, इसमें ये चारों के चारों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे और आप इसको नोट कर सकें। कालाहारी, अटाकामा, थार, थार आपका एशिया में है, और ग्रेट विक्टोरिया है आपका ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह है सहारा मरुस्थल, और ये क्या है? विश्व का सबसे विशाल उष्ण मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल कैसे होते हैं? कॉमन सी बात है, गर्म ही होते हैं भाई। और ये कहाँ पर है? यह है सहारा, और कहाँ पे पड़ता है? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा क्या है? उष्ण मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। कहाँ पर है सहारा? सहारा है उत्तर में, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, और अगर अफ्रीका में है तो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में ये क्या है, स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9, दोनों में कितना डिफरेंस है? खास डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो ये है, सहारा अफ्रीका में तो है लेकिन कौन से जगह पर स्थित है? तो अफ्रीका के उत्तर मतलब ऊपरी हिस्से में स्थित है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखते हैं तो ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं उत्तर हिस्सा, ठीक है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर क्या होता है? ऊपर का, दक्षिण क्या होता है? नीचे का। तो ऊपर वाले हिस्से का में जो है अफ्रीका के मैप में ये आपका सहारा मरुस्थल स्थित है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको याद रखना है सहारा, जैसे कि हमने अभी देखा सहारा विश्व का सबसे बड़ा है, कहाँ पर? अफ्रीका में, और कहाँ पर है? उत्तरी भाग में स्थित है। तो ये आप नोट्स में लिखिएगा। आगे बात करते हैं, अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? अफ्रीका में एक आसवन डैम है, उसके द्वारा बनाई गई झील का नाम क्या है? उसके द्वारा बनाई गई झील का नाम है नैसार। क्या है? नैसार, राइट। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल जो भी है उन सबको बोलते हैं थार मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में फैला हुआ है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? थार मरुस्थल जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों देशों की तरफ, ये बड़ा मरुस्थल है, लंबा मरुस्थल है, दोनों देशों को टच करता है। भारत में यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भाग तथा गुजरात के उत्तरी भाग को आपस में क्या करता है? टच करता है, और मतलब कि फैला हुआ है, वहां तक भी इसका क्या रेंज फैली हुई है मरुस्थल की। और पाकिस्तान में यह सिंध प्रांत के पूर्वी भाग तथा पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में एक पंजाब भी है और वहां पर एक सिंध भी है, तो याद रखिएगा बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, वहां तक ये क्या है फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? तो माली की राजधानी है आपका बमाको। क्या है? बमाको। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है रूस। क्या है वो? वो है रूस। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये है भूटान। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? भूटान। और सबसे अधिक एरिया किसका है? बांग्लादेश। बात करी थी कम की, कम में हमको पता है कि भूटान है, ठीक है भूटान, लेकिन बात कर सकता है आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो वो है आपका बांग्लादेश का। तो फाइनली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसको पूरा नोट कर लें और आगे बढ़ें, ठीक है। याद करें, पढ़े ईमानदारी के साथ और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17, बर्मा का नया नाम म्यांमार और इसकी राजधानी क्या है? भाई बर्मा का न्यू नेम क्या है? नया नामकरण करा गया इसका, क्या बोला गया उसको? म्यांमार। तो इसकी राजधानी क्या है? इसका नाम, इसकी राजधानी है नेपाइडो। क्वेश्चन नंबर 18, कोर्सिका, कोर्सिका द्वीप संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट से ये क्या है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाली
गार्जिन डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह है चीन में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यह है आपका डिक्के टोबा मत्स्य, कहाँ पर है? यह है ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? मिलान सही हम बाद में करेंगे, हम बात करेंगे केवल ग्रीन सेक्शन की, क्योंकि देखिए इसमें ऑलरेडी आंसर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जिनकी जीएस काफी स्ट्रांग है वो एज ए अपना मॉक टेस्ट इसके माध्यम से बच्चों आप नहीं दे सकते। ये वीडियो केवल उनके लिए है जिनकी जीएस काफी वीक है और जिनके पास समय बहुत कम है, एग्जाम काफी जल्दी है, तो वो केवल फोकस करेंगे इन सभी बेसिक क्वेश्चंस में, और ये सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे, चाहे आप स्टेट का किसी का भी आप एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। अब देखिए इसमें बात करते हैं, देश इंडोनेशिया, उसकी राजधानी है जकार्ता, मालदीव, माले, उत्तर कोरिया, प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया, सियोल और जिम्बाब्वे, ये आपकी हरारे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बेसिक राजधानी वगैरह पूछ लेता है। देखिए राजधानी के बारे में दोबारा क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 के हम पढ़ेंगे अर्जेंटीना, यह है आपका ब्यूनस, कोलंबिया बोगोटा, मिस्र है आपकी कायरा जिसको बोलते हैं हम लोग काहिरा, जिम्बाब्वे की राजधानी है आपकी हरारे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका हेलगोलैंड, निम्नलिखित में से किस देश का एक द्वीप है? यह है आपका जर्मनी का, कहाँ का? जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो यह है आपका अफ्रीका। अंधकार में देव द्वीप या महाद्वीप किसको बोलते हैं? तो अंधकार का मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब ब्लैक, ब्लैक द्वीप किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपको अफ्रीका को, ये हम बोलते हैं अफ्रीका को। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, हाँ, 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखिए डी देखेंगे, बांग्लादेश और भारत को कौन सा कॉरिडोर जो जोड़ता है उसका नाम क्या, उसका नाम है 3 बीघा कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अब आप एक काम करिए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए यहाँ पर, ठीक है। अब सार्क से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछ लेता है, उसकी राजधानी क्या है, कौन सा देश लास्ट में सम्मिलित हुआ था और कब इसकी स्थापना हुई थी, तो हर चीज इसमें कवर करी गई है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 2005 में सबसे लास्ट में क्या हुआ, अफगानिस्तान इसमें सम्मिलित हुआ था, इसका मेंबर बना था सार्क का, और नेपाल की राजधानी जो है वो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और सार्क की फुल फॉर्म क्या है, सवाल बनता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, वो आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 की, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग किसका है? तो ग्रीनलैंड जो अभिन्न अंग है वो है आपका डेनमार्क का। अब बात करते हैं कि आर्कटिक और अटलांटिक सागर के मध्य में ये स्थित है। ग्रीनलैंड जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है और ये कहाँ पर है? ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 हमसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भाई देखिए अभी क्वेश्चन हमने देखा क्वेश्चन 28, तो 28 और 29 में क्या डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जीएस का कि हाँ भाई इसका क्वेश्चन को घुमा फिरा के ये पूछ सकता है। तो अभी हमने देखा तो इसका राइट आंसर क्या है, ग्रीनलैंड। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो टच करती है वो किसके साथ टच करती है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश की है, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम राज्य बांग्लादेश की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, छूते हैं, टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा, मतलब एरिया वाइज बोल रहा है ना कि जनसंख्या वाइज, एरिया वाइज कौन सा सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा सदस्य कौन सा है एरिया वाइज? तो इसका राइट आंसर होगा सेशेल्स। और इसका एरिया अगर देखिए क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो देखिए वेटिकन सिटी, और बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा, तो यह है आपका सेशेल्स। अगर देखिए पूरे देश में बात करी जाए, ये बात करता है संयुक्त राष्ट्र की, तो सेशेल्स, अगर पूरे दुनिया की बात करी जाए तो आपको याद रखना है 0.17 किसका है, वेटिकन सिटी का। और ये क्या है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, उसने ऊपर पूछा है संयुक्त राष्ट्र का, तो वो तो है सेशेल्स, लेकिन बात करी जाए पूरे देश की तो वो है आपका वेटिकन सिटी, तो कन्फ्यूज नहीं होना है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ टच नहीं होती है, तो यह है आपके लेबनान। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है वेटिकन सिटी, और वैसे भी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो आपका वेटिकन सिटी ही है, जैसे कि हमने अभी देखा था। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की, पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है, तो वह है थाईलैंड। श्याम का मतलब होता है व्हाइट, और तो व्हाइट एलिफेंट मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं थाईलैंड में। तो थाईलैंड का ये जो नाम रखा गया था पहले श्याम, तो वो व्हाइट एलिफेंट के नाम पर ही रखा गया था, अब इसका नया नाम हो गया, वो हो गया थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 35 की, आर्क पिलेगो का अभिप्राय निम्नलिखित में से किसकी कड़ी से है, तो यह है द्वीप। ये कोई झील नहीं है, पर्वत नहीं है, पठार नहीं है, ये क्या है, यह है द्वीप। और प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। यह विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका में, और उसका नाम है क्रूगेर नेशनल पार्क। क्या, क्रूगेर नेशनल पार्क। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को नहीं घेरता है, तो यह है आपका केनिया। तो केनिया को यह क्या करता है, टच नहीं करता है, घेरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया था, तो लोहे का पुल जो बनाया गया था सबसे पहले वो बनाया गया था इंग्लैंड में। और ये लोहे का प्रथम पुल जो है कौन सी नदी के ऊपर है, कौन सी रिवर के ऊपर है, तो उस रिवर का नाम है सेबर्न, और इंग्लैंड में बनाया गया था, जैसे कि हमने ऑप्शन ए में देखा। और इसका निर्माण कार्य जो स्टार्ट हुआ था, मतलब पूरा हुआ था, ये हुआ था 1779 में, ये कंप्लीट हुआ था। मतलब इसका निर्माण कब हुआ था, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, तो आपको याद रखना है 1779 में। बड़े क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलिए, पेशावर किसके निकट है, यह है खैबर दर्रे के निकट। खैबर जो है पेशावर पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की ये कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 40 की, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, यह है दक्षिण अमेरिका। थोड़ी सी डिटेल हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र स्थल भारत का क्या है। अगर भारत की बात करी जाए तो वह है मासिनराम, जो एशिया महाद्वीप में है। भारत हमारा कौन से महाद्वीप में है, कॉमन सी बात है, एशिया महाद्वीप में, और मासिनराम भारत में है। तो भारत संपूर्ण क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा के वितरण को देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप सबसे आर्द्र महाद्वीप है। सबसे मैक्सिमम आर्द्र महाद्वीप देखा जाए तो वो क्या है, हमारा दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 41, डोल ड्रम कटिबंध कहाँ पर स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोल ड्रम कटिबंध कहाँ पर स्थित है, तो यह भूमध्य रेखा के निकट, और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये स्थित होता है। डोल ड्रम की स्थिति क्या है, उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में 5 डिग्री, और ये कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के निकट में है डोल ड्रम कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 42, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो है उसका नाम है अल्जीरिया। क्या है, अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 43, रवांडा या फिर रवांडा, रवांडा की राजधानी जो है वो है आपकी किगाली। क्या, किगाली। क्वेश्चन नंबर 44, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, एशिया यूरोप से अलग होता है मैप में अगर आप देखते हैं तो, उसको अलग करने वाला जो पर्वत है उसका नाम है यूराल पर्वत। क्या, यूराल पर्वत। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोरा नेरोड नाया, गोरा नेडरो नाया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है, तो इसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है इसका, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 46 और लास्ट क्वेश्चन, काले वन ब्लैक फॉरेस्ट, इसको ब्लैक फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और काले वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जर्मनी में। तो काले वन ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, वहां पर ये पाए जाते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है आपका फेल्डबर्ग। क्या है उसका नाम, उसका नाम है फेल्डबर्ग। अब हम बात करते हैं वन लाइनर जीके के बारे में, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अराकान योमा पर्वत श्रेणी का प्रसार पश्चिमी म्यांमार तथा मध्य म्यांमार बेसिन तक है, और प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों के वलित होने पर हिमालय पर्वत बना है।
पर महाद्वीप के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि क्या रीजन है, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिम भाग पर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि साल टोरो कटक सियाचिन हिमनद में स्थित है। विश्व की सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है, सहारा मरुभूमि। ये सभी क्वेश्चन एक्चुअली हमने अब तक इस वीडियो में देखे थे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा इसने और भी बताया गया डिटेल में वन लाइन जीके के हिसाब से। तो आगे बात करते हैं कि चीन, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना में से अर्जेंटीना भारत से छोटा है। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, दिल्ली। और ईरान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान में से जॉर्जिया की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती। अगला जो पॉइंट है जीके का वो है नॉर्मैंडी या नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर है, यह है फ्रांस में। याद रखिएगा इस बीच के बारे में कई बार पूछता है एग्जाम में, तो नॉर्मैंडी जो बीच है ये कहाँ पर है, इसका नाम आपको याद रखना, यह है फ्रांस में स्थित है। आगे बात करते हैं श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान में से म्यांमार अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है थिम्पू, थिम्पू भूटान की राजधानी है और पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह जो होती है गुरुमंडल, जिसको बोलते हैं क्रोड के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी की सबसे अंदर की जो परत होती है, जैसे कि सर्कल है, सर्कल का रेडियस जिसको हम बोलते हैं ओ, तो ये आपका पृथ्वी, पृथ्वी के सबसे अंदर की जो सतह होती है उसको बोलते हैं हम गुरुमंडल, मतलब क्रोड बोलते हैं। तो याद रखिएगा गुरुमंडल और क्रोड दोनों ही नाम आपको एग्जाम में दे भी सकता है, कोई एक नाम देगा आपको क्रोड, तो आपको दोनों ही नाम याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है अपनति या अभिनीति साधारणतः बलित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। द लैंड ऑफ गोल्ड मतलब स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन सा है, वो है घाना। और माउंट ब्लॉक अल्पस पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी है। खैबर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हैं। आगे बात करते हैं, देखिए खैबर दर्रे से कौन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और रेड क्लिक की जो सीमा रेखा है किन दो देशों को आपस में जोड़ती है, वो अभी हमने देखा था। तो आप मुझे प्लीज इसका नाम भेजना, उसका राइट आंसर क्या है। आगे बात करते हैं हम लोग की केप फिलाडेल्फिया वॉशिंगटन फ्लोरिडा और बोस्टन में से बोस्टन के समीप स्थित है। माले मालदीव की राजधानियां, माले मालदीव ठीक है। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशिया द्वीप समूह पुर्तगालियों की पूर्व कॉलोनी थी। ईस्ट तिमोर नामक जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है उसकी पुर्तगालियों की जो पूर्व कॉलोनी थी, याद रखिएगा। देखिए और इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। और इस वीडियो में टोटल हमने 80 से ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करे, वन लाइन जीके के क्वेश्चन हमने अलग से डिस्कस करे। और मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एक बार और प्ले करिएगा, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो एक बार और प्ले करिएगा, थोड़ा ध्यान से जैसे आपने अभी इस वीडियो को सुना होगा दोबारा से सुनिए इसको, और डैम श्योर आपको सभी के सभी आंसर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और जिन पे मैंने फोकस करा है कि हाँ इसको नोट करिए, तो उसको आप नोट करिएगा और उसका रिवीजन जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपसे अगेन कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपका कोई भी फ्रेंड अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो उस तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ यहीं तक सीमित मत रखिए, इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड तक पहुँचाइए, बाकी वो देखे या ना देखे वो उसकी मर्जी। और अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब के बाद आपको दिखाई देगा उसके बगल में एक बेल आइकन, और इस बेल आइकन पर क्लिक प्लीज़ जरूर करिएगा। अगर आपने और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो घटना चक्र प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी के तमाम वीडियो वहाँ पे आपको मिलेंगे, हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित, मतलब बायोलॉजी से संबंधित, उन सब वीडियो को आप देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।